ओम शांति। इस वीडियो में हम टीडीएस का एंट्री करने का तरीका देखते हैं। टीडीएस का एंट्री प्रोफाइल में पेमेंट वाउचर में आएगा, वाउचर एंट्री में क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाउचर में आएगा। इसका कोई अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एंट्री करते समय ही टीडीएस का अमाउंट डालना होगा। जैसे कि इसमें जैसे हम टीडीएस पेमेंट तो पार्टी कंपलसरी है, तो पार्टी कंपलसरी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। आइटम जो भी टीडीएस का आइटम है तो वो उसी समय आपको टीडीएस का अमाउंट डालना होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर का किया आपने, तो आप जब कॉन्ट्रैक्टर का सेलेक्ट करते हैं तो नीचे वो टीडीएस रेट दिखाई देगा। रेट जो है पार्टी के नाम से और उसका पैन नंबर है या नहीं उसके आधार पर, तो पहले आप पार्टी में सब डिटेल फिल करके फिर रेट देखना होगा। अभी इसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर को कुछ 15,000 दिया, 15,000 का बिल है उनका, और हमने टीडीएस सपोज 1,000 काट के 14,000 का पेमेंट किया, तो टीडीएस के कॉलम में हमें 1,000 रुपीज मैनुअली फिल करना होगा। 14,000 कैश किया तो टीडीएस 1,000 रुपीज करके यहाँ पर दिखाई देगा, और आप से करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगा और उसका एंट्री टीडीएस का एंट्री अपने आप आ जाएगा। जैसे एंट्री देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने 15,000 टोटल मिला, जिसमें 14,000 कैश किया और 1,000 का टीडीएस का एंट्री अपने आप आ जाती है। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है कि जो टीडीएस यहाँ पर आप डालते हैं न्यू क्लिक करके आइटम सेलेक्ट करने के समय, फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं तो ये डालते ही आप देख लीजिए सेक्शन का कोड आ गया। आपने पार्टी सेलेक्ट नहीं किया तो अभी रेट नहीं आएगा, लेकिन पार्टी सेलेक्ट करते ही लालित भाई का नाम सेलेक्ट किया तो ये बोल रहे 10%, क्योंकि यह पैन नंबर है। अगर पैन नंबर नहीं है तो आपको डालते ही यह इन्फॉर्मेशन रहेगा कि टीडीएस रेट बिना पैन के पीछे नहीं आएगा और उसमें 20% हो जाएगा। तो आप ये रेट देखते समय ध्यान रखना है कि अगर पैन नंबर है तो एक तरह का रेट होगा, नहीं है तो दूसरी तरह का रेट होगा। तो ये रेट जो है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाया कि एनुअल कंपलसरी काटना है ऐसे नहीं है। तो अगर आपने आर्थिक के लिए सपोज आप 15,000 का पेमेंट लिया और इसका टीडीएस काटा तो वह डालना होगा, लेकिन अगर 15,000 के लिए टीडीएस नॉट एप्लीकेबल है इसलिए आपने नहीं काटा तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर सपोज 15,000 के बजाय आपने 50,000 दिया, 50,000 दिया तो उस समय टीडीएस काटना पड़ेगा, उस समय भी आपको ही डालना पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं करेगा। तो आप उसको टीडीएस का अमाउंट डाल के 15-50,000 में आपने जितना काटा उतना अमाउंट डालना होगा। तो ये आर्केट फीस जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, तो इसमें प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो टोटल 50,000 का है। 45,000 ये है टीडीएस, 5,000 है टीडीएस, टीडीएस का पिन आएगा और उसका पेमेंट 45,000 मतलब कैश नहीं दे सकते, तो चेक का जो है वो चेक का डिटेल डाल के एंट्री सेव कर सकते हैं। इस प्रकार टीडीएस का एंट्री करना होगा। तो आप पूरा डिटेल पर फिल करके ओके करेंगे, सेव करेंगे तो एंट्री सेव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।